हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ परवल पुलाव की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले आलू और परवल फ्राई कर लूँगी। आलू और परवल फ्राई कर लिया। काजू को भी फ्राई कर लूँगी। अब तेल में ऐड करूँगी 2 चम्मच घी। अब डालूँगी साबुत गरम मसाला। गरम मसाला को थोड़ी देर फ्राई कर लिया। अब इसमें ऐड करूँगी अदरक की पेस्ट। 1 मिनट तक अदरक की पेस्ट को फ्राई करूँगी। अभी मैंने इसमें ऐड किया 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब 1 चम्मच हल्दी ऐड करूँगी। सारे मसाला को खूब अच्छी तरह भून लिया। तो इसमें ऐड करूँगी चावल। चावल को मैंने धो के पानी निकाल लिया था। अब चावल को मसाला के साथ मिक्स करूँगी। नमक, मसाला और चावल अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब इसमें ऐड करूँगी आलू, परवल, काजू, किशमिश, सौंफ, मूंगफली, इसके मैंने छिलका निकाल दिया। सारे इंग्रेडिएंट्स मिला लिया और थोड़ी देर फ्राई किया। इस गिलास के 2 गिलास चावल लिया था मैंने और 4 गिलास पानी मिलाऊंगी। पानी मिला दिया। आप 15 मिनट के लिए कवर करके बॉईल करूँगी। पुलाव रेडी है। आलू, चावल, परवल पकने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।